So today we have Asad Ijaz from PetVet in the top 12 pitching session in Faisalabad Startup Cup. So Asad, tell me, what's your idea? Assalamu alaikum ji. Our idea basically is pets ka social network hai, to provide everything to every pet. Being a pet owner, ये एक्सपीरियंस हुआ कि अगर आपको पेट रिलेटेड सर्विसेज चाहिए तो कोई सेंट्रलाइज सिस्टम मौजूद नहीं है, तो आपको इंडिविजुअली चीज़ों को सर्च करना पड़ता है. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिस पे एक पेट से रिलेटेड तमाम सर्विसेज, गुड्स, एक्सेसरीज सब कुछ अवेलेबल होगा. सो जो आपने पहले बिल्ड बिजनेस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया, फिर आप टॉप 25 में आए और आपने जो है मेंटोरिंग सेशन एक लिया. सो ओवरऑल जर्नी में क्या चेंजेस आई है, क्या जो है आपकी तब्दीली हुई है, कोई क्लाइंट्स के चेंज हुआ हो, कोई बिहेवियर चेंजेस आप लेके आए हो, कोई बिजनेस मॉडल में चेंजेस लेके आए हो, ज़रा उसके बारे में शेयर कीजिएगा. जी बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रिफ़ाइन हुई हैं, इम्प्रूव हुई हैं. मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब स्टार्टअप, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ कि जब हमने स्टार्ट लिया तो सिर्फ वो हमारे ब्रेन का बेबी था, ठीक है, और हम अपने सेंस से उसको लेके चल रहे थे, हमने उसका इनिशिएटिव लिया. फिर जब इस स्टार्टअप कप के प्रोसेस में आए हैं तो उससे बहुत सी चीज़ें जो है वो इन्हेंस हो गई, मतलब एक्सपोजर इंक्रीज हुआ हमारा. जब आप कोई भी बिज़नेस प्लान कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप जो है वो आप उसको किसी भी लेवल पे उस पर कुछ काम कर रहे हैं, तो उसको डिस्कस करें लोगों के साथ, ठीक है, खसूसन रेलिवेंट लोगों के साथ. पूरी कोशिश करें रेलिवेंट लोग. हमारे यहाँ एक वो बड़ा लोगों को फियर होता है कि आइडिया डिस्कस करेंगे ये तो चोरी हो जाएगा, ये होगा. ये नहीं हो सकता कभी भी. जो जिसका ब्रेन बेबी है वो उसी के पास ही रह सकता है, वो कोई और उसको उस तरह परसीव नहीं कर सकता. लेकिन जब आप उसको डिस्कस करते हैं तो फिर आप जो इनपुट है वो आपके लिए बहुत वैल्यू ऐड करता है, और वो आपके लिए एक पैथ जो है ना उसको क्लियर करना शुरू कर देता है. और खसूसन जो प्रैक्टिकली पहले सक्सेसफुल लोग हैं या जिनका एक्सपोजर हमसे ज़्यादा है, उनकी जो इनपुट है वो बहुत वैल्यू देती है. इसलिए मेरा तो ये जनरली तमाम लोगों को मशवरा है कि अगर आप किसी भी तरह के स्टार्टअप हो, वो किसी भी बिज़नेस से रिलेटेड हो, ये नहीं कि वो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक है या किसी भी बिज़नेस से रिलेटेड है, तो आप उसको रेलिवेंट लोगों के साथ डिस्कस करें उसके डिफरेंट पहलुओं को, और फिर अगर एक पॉजिटिव चीज़ मिलती है तो उसको अडॉप्ट भी करें.